हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए लेके आई हूँ। वैसे तो नॉर्मल हम जो आलू काटते हैं वो मोटी मोटी क्यूब्स में काटते हैं, इसमें मैंने क्या लिया है, पतला पतला काटा है आलू को और पतला ही काटा है मैंने बैंगन को। आइए शुरू करते हैं ये रेसिपी कैसे बनेगी। मैंने ले लिया एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे हींग, जीरा। अब इसमें ऐड करेंगे अपने आलू। आलू डालने से पहले गैस को लो फ्लेम पे कर लेंगे ताकि हमें छींटे ना पड़े, क्योंकि आलू जो है वो पानी में है, गीले हैं, इसलिए ऐसे आराम आराम से डाल देंगे। अब अपनी फ्लेम को कर लेंगे तेज और आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आलू हमारे हल्के से अब फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे अपने बैगन। बैगन इसलिए बाद में ऐड किए हैं क्योंकि बैगन जल्दी गलते हैं और आलू को टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें ऐड कर देंगे दो छोटी छोटी हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है। अब इसे छोटा भी काट सकते हैं, अच्छे बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए मैंने इसे लंबा लंबा काटा। अब इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। सबसे पहले डालेंगे इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार, कितनी तीखी कितनी कम मिर्च वाली आप खाते हो। इसके बाद ऐड करेंगे नमक, ये भी आपके टेस्ट के अनुसार है, कम या ज़्यादा आप इसको कर सकते हो। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अपनी सब्जी को सिम गैस पे ढक के रख देंगे ताकि जो आलू में थोड़ी सी बहुत कसर है वो और जो बैगन हमने बाद में डाले हैं वो भी गल जाए ना। आइए चेक कर लेते हैं अपनी सब्जी को। आलू हमारे गल चुके हैं, अब इसको फुल फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है आलू जो है हमारे थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। आलू और बैगन को अलग अलग इस तरह से बनाने से, एक बैगन जो होते हैं वो क्या होता है, आलू के साथ बिल्कुल हलवा सा बन जाते हैं, इससे क्या है ये दोनों चीज़ें खड़ी खड़ी बनेंगी। आप देख सकते हो बैगन भी अलग सा है और आलू भी अलग अलग से लग रहे हैं। अब इसको फुल गैस पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे आलू को। ये देखिए आलू कितने क्रिस्पी से हो गए हैं। अब अपनी गैस को सिम बंद कर देंगे और अब इसको सर्व करें। देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बैगन की वजह से बिल्कुल भी हलवा से नहीं बनी है, खड़ी खड़ी सी सब्ज़ी है। आप इस सब्जी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।